नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर। जिन बच्चों ने 2019 में एडमिशन लिया हुआ है और उनका जो ट्रेड है 2 वर्षीय ट्रेड है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, तो उन बच्चों का जो है ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। और ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बच्चों को जो है ncvtmis.gov.in आप वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ पर जाना होगा। ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपको ट्रेनी प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी सारी प्रोफाइल जो है एडमिशन का खुल के आ गए हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है काले से मिला कर डालना है। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम इंटर करना पड़ेगा और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ बच्चे का जो है एडमिट का डेट ऑफ बर्थ है फिल करते हैं। यहाँ पे कैप्चा इमेज इंटर करेंगे 8749। रिमेंबर पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अगर कैप्चा नहीं लेता है तो आपको दोबारा इंटर करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं तो ये देखिए, बच्चे का जो है एडमिट कार्ड ओपन हो के आ गया। अरे, उनकी प्रोफाइल जो ओपन हो के आ चुकी है। तो बच्चों को जो है देखिए, ये इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं और इनका 2019 में एडमिशन हुआ था। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ये हॉल टिकट लास्ट कॉर्नर में दिया हुआ है, CBT पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे हॉल टिकट है, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, डाउनलोड करने के लिए आ गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ये देखिए, बच्चे का जो है डेट देख सकते हैं हम, 2 मार्च 2021 को जो है ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है इनका और 1 मार्च को है इंजीनियरिंग ड्राइंग का इनका एग्ज़ाम है। तो ऐसे ही आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। और एग्ज़ाम आपका होने वाला है 1, 2, 3 वो हो सकता है कभी भी। ये आप कल एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही वीडियो में बताना था कि बच्चे अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और परीक्षा की तैयारी कर ले। और 1, 2, 3 मार्च को उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ये इलेक्ट्रीशियन वालों, अरे ITI वालों के लिए जो 2019 में 2 वर्षीय ट्रेड के बच्चे हैं उनके लिए है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ITI स्टूडेंट से बच्चों से निवेदन है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आगे आने वाली किसी भी सूचना के लिए। धन्यवाद।